नमस्कार। हम लोग जो है फरवरी की कटिंग चालू कर रहे हैं और एक साल का हमारा पौधा है, ताइवान पिंक अमरूद है, और बरसात की फसल की तैयारी है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि हम कटिंग कैसे करेंगे और पौधे में ज़्यादा शाखाओं का निर्माण कैसे करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा फलत मिले। तो आइए दिखाते हैं। हमें जो कटिंग करनी है वो मेच्योर शाखा को 1 से 1.25 फीट छोड़ते हुए करनी है। तो ये शाखा हमारी यहाँ मेच्योर है और इसके ऊपर जो है ये कच्ची शाखा है, ये पकी शाखाओं की हम कटिंग करेंगे। इसका जो रेडियस है ये 1 से 1.25 फीट के बीच में हम जो है इसको रखेंगे। और कटिंग हर शाखा की करनी है, कोई भी शाखा बिना कटिंग करे नहीं छोड़ेंगे। जितना शाखा को कट कर देंगे तो वहीं से फुटावाना शुरू हो जाएगा। देखिए ये शाखा वैसे तो कच्ची है, अब ये 15 दिन लेगी पकने में, लेकिन 1 और 2 पत्ती से हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है तो इससे फुटाव हमारे आगे आ जाएंगे, क्योंकि फिर कटिंग भी लेट हो रही है, शाखाएं ऑलरेडी हमारे पास कम है। तो थोड़ा सा ध्यान करके हम हर शाखा को काटेंगे। अगर कोई छोटी शाखा है जैसे ये है तो इसमें ज़्यादा नहीं तो 1 और 2 पत्ती छोड़ के हम हल्का सा ऐसे कट करेंगे। तो कुल मिला के 2 पत्तियों तक अगर पकी है तो 2 पत्तियों तक छोड़ेंगे तो वहाँ से 2 या 4 कल्ले आ जाएंगे। ठीक है, ये पौधा कट गया है। ये देखिए यहाँ पे जैसे 1-2 पत्ते तक ये पकी है, ऊपर कच्ची शाखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे तो 2 कल्ले यहाँ से आ जाएंगे। इस प्रकार से सभी शाखाओं का चयन करना है।